हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूज है चाइना और से रिलेटेड एक्चुअली इन दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी है ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन यानी टी जी इनिशियली ये ट्रीटी टू में साइन की गई थी रिसेंटली ये ट्रीटी न्यूज में थी क्योंकि इनिशियली ट्रीटी साइन की गई थी तब ये 20 साल के लिए साइन की गई थी अभी इस ट्रीटी को वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है सो so एग्जाम में आपसे सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि टी या इसका फुल फॉर्म देखकर पूछ सकते हैं कि ये किन देशों के बीच की एक ट्रीटी है सो so ये रशिया एंड चाइना के बीच की एक ट्रीटी है रिसेंटली चाइना इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि डब्ल्यू जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ऑफिशियली सर्टिफाई किया है कि चाइना अब मलेरिया फ्री है सो एशियन पैसिफिक रीजन में मलेरिया फ्री होने का स्टेटस पाने वाला चाइना सेकेंड कंट्री है नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड सो so, अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ई कोर्ट्स को लैंड रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ सी मान लीजिए अभी आपको लैंड खरीदनी है तो आपको लैंड के रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी अपने नाम पर उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा सो so, ये प्रोसेस को सिंपल और अफिशियंट बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि लैंड रिकॉर्ड्स को कोर्ट्स के साथ ऑनलाइन अटैच किया जाएगा यानी ई कोर्ट ई कोर्ट का मतलब है ऑनलाइन कोर्ट के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनमें इस सर्विस को भी ऐड किया जाएगा अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इंडेक्स हैं वो और ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस इंडेक्स का main purpose ये दिखाना है कि कि किस देश में बिजनेस कितना आसानी सेटअप किया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है so, सो उसमें से एक पैरामीटर यह भी है अब ओब्वियसली क्योंकि अगर कोई नया बिजनेसमैन प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन जल्दी से नहीं करवा पाएगा तो बाकी प्रोसेस तो बाद में डिले होगा ही तो इस चीज को स्पीड अप करने के लिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की बात करें तो अपने देश में एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और ये एमओ के अंडर में है यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर तो आपको लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर और लैंड तो कनेक्टेड है तो ये हो सकता है नेक्स्ट है रिलेटेड टू नेट्रैक्स नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट नेटरेक्स है क्या ये है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स सो ये एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक है रिसेंटली ये इनोग्रेटेड किया गया है पीथमपुर में ये कहाँ है ये मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश के इंदौर और इसकी लंबाई है 11.3 पॉइंट थ्री so, किलोमीटर्स सो एक टेस्ट ट्रैक है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो अपने व्हीकल्स टेस्ट करती हैं तो उनके लिए यूजफुल होगा सो फर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन है कि नेटफ्रिक्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक यानी कि एक टेस्ट ट्रैक है और ये एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक है ये कहाँ है ये पीथमपुर में है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है ना सेकेंड थिंग इज दैट कि ये किस मिनिस्ट्री की एक पहल है यह है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज की एक इनिशिएटिव और रिसेंटली ये मिनिस्ट्री एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में थी यह है फेम स्कीम फेम है फास्टर अडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो ये ई वी से रिलेटेड है ई वी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिसेंटली फीम सेकेंड है वो एक्सटेंड कर दी गई है दो और साल के लिए यानी अब इसका जो टाइम है वो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक एक्सटेंड कर दिया गया है सो so, ये इनिशियटिव भी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंडर में है नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है रिलेटेड टू ए न्यू इनिशियेटिव कोल्ड फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट सो जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए एक फंड सेटअप किया गया है इस फंड को लॉन्च किसने किया है सो so, इसमें थ्री एंटिटीज इन्वॉल्व हैं एक हैं एस ई आर बी एक है डी एस टी और एक है इंटेल और इसका जो निकनेम दिया गया है ये है फायर जैसा कि यहाँ शो किया गया है तो so, आपसे पूछ सकते हैं कि फायर इनिशिएटिव रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है सो so ये एस सी आर बी डी एस टी और इंटेल ने मिलकर लॉन्च किया है ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करना ताकि नए अपकमिंग फील्ड्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सब के फील्ड में और रिसर्च की जा सके नेक्स्ट रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन सो रिसेंटली इंडिया ने फोर्थ वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और ये इंडिया की फर्स्ट एम आर एन ए वैक्सीन होगी यानी फर्स्ट एम आर एन ए वैक्सीन है जिसको हमने एमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन दिया है और ये वैक्सीन है मोडर्ना की वैक्सीन इसका नाम है एम आर एन ए वन टू सेवन थ्री मोडर्ना यू एस बेस्ड एंटिटी है और यू एस में ये वैक्सीन है ये स्पाइक वैक्स के नाम से बेची जाती हैं और इंडिया में इसका पार्टनर होगा सिप्ला सो so इसके लिए रिसेंटली डी ने अप्रूवल दिया है सिप्ला की बात करें तो इसका हेडकोर्टर्स है मुंबई में सो so अभी तक टोटल चार वैक्सीन्स अप्रूव की गई हैं ये फोर्थ हैं जो कि मोरना की है इससे पहले कोवैक्सीन कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन्स को इंडिया में अप्रूवल दिया जा चुका है नेक्स्ट है रिलेटेड टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स सो रिसेंटली ये इंडेक्स न्यूज में थी और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया टेंथ पोजीशन पर है ये आई की इंडेक्स है सो so, इंडिया टेंथ पोजीशन पर है और इंडिया ने थर्टी सेवन पोजिशंस का जंप किया है एशिया पैसिफिक कंट्रीज के मामले में इंडिया फोर्थ पोजीशन पर है सो so, इस इंडेक्स को टॉप किया है यूएसए ने फिर है यूके थर्ड है सऊदी अरबिया और इंडिया है टेंथ पोजिशन पर इंडिया ने थर्टी सेवन का जम्प किया है नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू नीति आयोग सो रिसेंटली नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि यू आई आई सी को प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए यू आई आई सी क्या है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नीति आयोग की बात करें तो रिसेंटली नीति आयोग एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था नीति आयोग के जो करंट सी ई ओ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो हैं मिस्टर अमिताभ कान रिसेंटली वो न्यूज़ में थे क्योंकि अभी उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है और ये एक्सटेंड किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट कमेंट बॉक्स में बताइए इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके अलावा नीति आयोग न्यूज में था क्योंकि नीति आयोग ने एक स्टडी रिलीज की है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर सो एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर स्टडी रिलीज की है सो आंसर होगा नीति आयोग नेक्स्ट न्यूज पावर सेक्टर से रिलेटेड

मेजर स्कीम के तहत इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी इसी के अंदर कवर कर ली है यानी अब ये इसी का पार्ट हो जाएंगी इस नई स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंट करेगी पीएफसी पीएफसी क्या है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस एंड सो so, इन दोनों के बीच में पहले अंतर समझ लेते हैं ताकि आपको confusion ना हो. Ordnance क्या होता है? ये एक temporary law है. Temporary law और अपने गवर्नर प्रेसिडेंट को, को ये पावर्स दी गई है आर्टिकल 123 के तहत और गवर्नर को ये पावर्स दी गई है आर्टिकल 213 के तहत नाउ कमिंग टू ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस का मतलब है रिलेटेड टू वेपन्स और आर्म्स एम्यशन सप्लाई कंटेक्स क्या है रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से ओ यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो हैं वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे यानी स्ट्राइक पर प्रतिबंध है रोक है लिमिटेशन है सो so, सबसे पहले ओ के जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक क्यों करेंगे सो so, ये इश्यू हमने ऑलरेडी कवर किया है बीस इक्कीस जून की वीडियो में कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइजेशन करने का निर्णय लिया जा चुका है और जो एम्प्लॉइज हैं वो इसी डिसीजन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं तो इन सब को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली ये डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस न्यूज में था ये प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है नेक्स्ट रिलेटेड टू रिपोर्ट रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम सो इसका टाइटल है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस सो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूडीआई प्लस की किस सेक्टर से रिलेटेड है सो so, ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है और रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है अब इस रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर यानी 2019 ट्वेंटी -20 में इंटरनेट फैसिलिटी थी सो so, ये शो करता है कि अभी अपने देश में कितना काम बाकी है सो so, अपने को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा ये एक और चीज शो करता है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक मोबाइल फोन है तो आप कितने लकी हो मीन्स आप जब चाहो पढ़ सकते हो अफकोर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आपके लेजीनेस पे डिपेंड करता है बट जो बेसिक रिसोर्स है वो आपके पास है फिर भी अगर आप कंप्लेन करते हो तो वो सिर्फ एक लेजीनेस है नेक्स्ट है रिलेटेड टू आई डी सो एग्जाम में आपसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आई डी ए का मतलब क्या है ये है इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर सो ये एक कंसल्टेशन पेपर है जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया है सो so, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर बनाना ना इसी के कंटेक्स में रिसेंटली एक और टर्म न्यूज में थी यू एफ आई डी जैसे आधार है हर एक का एक यूनिक आधार नंबर है वैसे ही फार्मर्स के लिए एक यूनिक फार्मर आई का प्रपोजल है ना फार्मर्स से रिलेटेड एक और इश्यू न्यूज में था रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है सो so, ये है फसल बीमा कैंपेन यानी फसल बीमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है कैंपेन लॉन्च किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो कि है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर नेक्स्ट रिलेटेड टू आई एल सो आई ने माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की है आई so, क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सो इस रिपोर्ट के हिसाब से माइग्रेंट वर्कर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है टोटल अभी 169 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हो गए हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में जो तो नंबर था वो था 164 मिलियन और 2019 में ये हो गए हैं 169 मिलियन तो यानी 5 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स के केस में नाउ आईएलओ की बात करें तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी अंडर द लीग ऑफ नेशंस और बाद में ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और ये यूनाइटेड नेशंस की पहली स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी कमेंट बॉक्स में बताइए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस ईयर में हुई थी आई एल ओ का हेडक्वार्टर है में, जो कि स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट में आई एल ओ के डीजी है गायल ओ के रिपोर्ट की बात करें तो ये आईएलओ की मेजर रिपोर्ट है एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक एक है ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड एक है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट नेक्स्ट है रिलेटेड टू ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम सो रिसेंटली आई थिंक थर्टी जून की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्रोन किस तरीके से नया सिक्योरिटी चैलेंज पोज करते हैं तो ड्रोन अटैक से बचने के लिए रिसेंटली इंडिया की एक, एक एंटिटी ने इंडिजीनियस यानी इंडिया में ही बनाया गया ड्रोन डिफेंस सिस्टम या ड्रोन डिफेंस डोम तैयार किया है और इसको तैयार किया है ग्रीन रोबोटिक्स ने और हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो और इसका नाम है यानी इस इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल ये हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है तो so, ये सिस्टम कुछ इस तरीके से एक नॉन विजिबल प्रोटेक्शन लेयर बना देगा तो अगर बाहर से कोई ड्रोन आया विदाउट अप्रूवल वाला तो उसको यहीं पे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ताकि ये नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना पहुंचाए नेक्स्ट रिलेटेड टू बैंक क्रेडिट सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फूड एंड नॉन फूड बैंक क्रेडिट सो फूड क्रेडिट कौन सा होता है यहाँ पर बैंक क्रेडिट की बात कर रहे हैं यानी बैंक किन लोगों को क्रेडिट देता है लोन देता है सो so, उसमें दो वेराइटी है एक फूड वेराइटी है एक है नॉन फूड वेरायटी फूड वेराइटी में कौन कौन सी चीजें आती है फूड वेराइटी में वो लोन्स आते हैं जो एफ को दिए गए हैं एफ क्या है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए so, क्या करती है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है प्रोक्योर का मतलब है खरीदती है और उनको स्टोर करती है बाद में यही फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस सोप एफ के तहत इस राशन को लोगों तक पहुंचाती है पीडीएस सिस्टम से पीडीएस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो अपनी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उसको फूड ग्रेन्स दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज कोस्ट पर ये फूड ग्रेन्स कहा से आता है ये फूड ग्रेन्स एफसीआई के थ्रू आता है एफसीआई इनको किसानों से प्रोक्योर करती है और जब एफसीआई किसानों से प्रोक्योर करती है तो उस टाइम पर एमएसपी देती है किसानों को एमएसपी प्राइस

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर लॉन्च करें मतलब आप ऑनलाइन ये वाउचर खरीद सकते हो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और ये वाउचर से आप वैक्सीन की पेमेंट कर सकते हो सो so, ये पर यूजफुल होगा उन हॉस्पिटल्स में ये यूजफुल होगा जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के मेथड्स अवेलेबल नहीं है सो so, ये वाउचर्स हैं, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए यूज में लिए जाएंगे नेक्स्ट रिलेटेड टू फ्रेट स्मार्ट सिटीज सो फ्रेट का मतलब है सामान सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फ्रेट स्मार्ट सिटीज के कंटेक्स में प्लांस रिलीज किए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये रिलीज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सो so आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अनवेल्ड वर्ल्ड प्लांस फॉर फ्रेट स्मार्ट सिटीज नाउ स्मार्ट सिटीज है सो so हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्योंकि स्मार्ट सिटीज और अमृत जो इनिशिएटिव है जो कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ये दोनों so, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए जो है, उसको कम करने के लिए ये प्लान है, है उत्तराखंड so, के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया ना ये न्यूज है वो उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है सो so, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 75 एंड आर्टिकल 164 164 ये आर्टिकल हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था ममता बनर्जी के केस में सो so, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आर्टिकल 164 की बात करेंगे दोनों में सेम ही प्रोविजन है सो so, आर्टिकल 164 के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के कहने पर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इसमें एक और कंडीशन ये है कि अगर कोई मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अगर वो मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव हाउस का तो वो सिक्स मंथ्स तक बिना मेंबर बने मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर रह सकता है हालांकि अगर सिक्स मंथ्स के बाद भी अगर वो मेंबर नहीं बन पाया तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा क्या कंडीशन है मान लीजिए वेस्ट बंगाल का केस डिस्कस करें तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी इलेक्शंस नहीं जीत पाई थी जो रिसेंट इलेक्शन हुए थे उसमें ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं जीत पाई थी यानी कि वो मेंबर नहीं बन पाई इसके बावजूद भी वो चीफ मिनिस्टर बनी So, कैसे बनी इसके पीछे रीजन है आर्टिकल 164 जिसमें ये कंडीशन है कि आप मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकते हो इवन दो अगर आप मेंबर नहीं हो कंडीशन ये है कि अगले सिक्स मंथ्स में यानी जब से आप मिनिस्टर बने हो उसके मंथ्स में आप मेंबर बन जाओ तो ऐसा ही सिमिलर केस था उत्तराखंड का उत्तराखंड में पहले चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने कुछ दिन पहले रिजाइन किया उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर बने थे तीरथ सिंह रावत अभी रिसेंटली उन्होंने भी रिजाइन कर दिया क्योंकि 10 सितंबर तक उनको मेंबर बनना था 10 सितंबर क्यों क्योंकि उन्होंने मार्च 10 को शपथ ली थी तो विद इन सिक्स मंथ्स में उनको मेंबर बनना था और अभी कोविड के चलते इलेक्शन कमीशन ने भी ये स्पेसिफाई किया है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कोविड के चलते बाकी इलेक्शन भी डिले कर दिए गए हैं राज्यसभा के भी कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन पेंडिंग है सो so, इसी के चलते अब ये क्लियर होगा कि हो सकता है कि वो सितंबर तक मेंबर ना बन पाए तो इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पुष्कर सिंह धामी नए चीफ मिनिस्टर होंगे नेक्स्ट है रिलेटेड टू न्यूवाइज सो ये नासा का एक मिशन है नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है रिसेंटली न्यूवाइज न्यूज में था क्योंकि इस मिशन को दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है न्योवाइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एस्ट्रॉइड और कोमेट्स को फाइंड आउट करना न्योवाइज का फुल फॉर्म क्या है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। नेक्स्ट रिलेटेड टू अफगानिस्तान अफगानिस्तान का जो बागरम एयरफील्ड है उसको हैंडओवर कर दिया अफगान गवर्नमेंट को 911 यानी जो यूएसए में 2001 में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद यूएस और नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में एंट्री की थी अभी जो करंट यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का भी यही स्टैंड था कि वो अपनी ट्रूप्स वापिस यूएस बुला लेंगे और ये सब अफगानिस्तान को हैंड ओवर करेंगे और इसी के कंटेक्स में यूएस और तालिबान के बीच एक डील भी साइन हुई थी तालिबान अफगानिस्तान का एक मिलिटेंट ग्रुप है नेक्स्ट रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स हैं उनको भी अब एमएसएमई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा सो so, इससे उनको क्रेडिट लेने में फायदा होगा और बाकी एमएसएमई सेक्टर की जो स्कीम्स हैं वो भी उनके लिए बेनिफिशियल होंगी अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई की पीएसएल नॉर्म्स है पीएसएल का मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कमेंट बॉक्स में बताइए पीएसएल नॉर्म्स के अंदर एमएसएमई सेक्टर कवर है या नहीं क्यूबा क्यूबा में एक ट्रोपिकल स्टॉर्म आया है एल्सा सो तो इसके कारण ये न्यूज में थे अब क्यूबा की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है क्यूबा और क्यूबा की कैपिटल है हवाना ये है अटलांटिक ओशन ये है पैसिफिक ओशन ये है यूएसए मैक्सिको ये है साउथ अमेरिका ना ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो मेरे को एक अच्छा मैप मिला इंटरनेट पे थैंक्स टू द पर्सन जिन्होंने ये बनाया है सो so, साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है ये जो ब्लू वाले रीजन है यहाँ पर साइक्लोन को साइक्लोन के नाम से जानते हैं रेड वाले रीजन में टाइफून जिसको हिंदी में तूफान बोलते हैं और ग्रीन वाले एरियाज में हरिकेन्स के नाम से जाना जाता ये सेम चीज़ है एक और जो कॉमन फोर्स नहीं होता है और उसकी वजह से ये, ये जो रोटेशन है वो नहीं बनेगा और 20 से ऊपर क्यों नहीं पाया जाता क्योंकि ये सिर्फ वार्म वाटर के ऊपर ही बनता है तो 20 से ऊपर टेम्परेचर कम होने लगेगा तो जो प्रॉपर वाटर कंडीशन है वो नहीं मिलेंगी नेक्स्ट मिलेगी रिलेटेड टू लास्ट आइस एरिया सो ये रीजन का एक एरिया है और यहाँ पर आइस है वो मेल्ट होने लगी है सो so, जिसकी वजह से ये न्यूज में में था अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट आइस एरिया इज रिलेटेड टू और उसमें डिफरेंट कॉन्टिनें का नाम दे सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर आइस मेल्ट होने लगी है क्लाइमेट चेंज का मतलब है धरती का टेम्परेचर इंक्रीज होना मीनस वन मेजर फैक्टर जो क्लाइमेट चेंज का जो मेजर कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं वो ये है कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ऑफ कोर्स बाकी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जैसे इरेटिक रेनफॉल साइक्लोन्स आना और ऐसे सब इवेंट्स नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंदस वाटर ट्रीटी सो रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो इंदस वाटर ट्रीटी के तहत एक्सेस वाटर डाइवर्ट हो रहा था इंडिया अब उस वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज में लेगा सो so, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ so, की गई थी उस टाइम पर वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर के तौर पर इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था सो so, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो है सतलज व्यास और रावी इंडिया का इन रिवर्स पर right है। right है मतलब इन रिवर्स का पानी यूज़ करने का राइट right है, है, है।, है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखे तो ये है सतलज ये है रावी और ये है व्यास रिवर जो वेस्टर्न रिवर है चेनाब झेलम और इंदस इन रिवर्स पर पाकिस्तान का राइट है लेकिन प्लीज नोट यहाँ पर एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है सो so, पाकिस्तान इन रिवर्स के पानी से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कैरी आउट कर सकता है इस ट्रीटी के हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज कर सकता है और वो स्पेसिफिक पर्पज क्या है जैसे एग्रीकल्चर यानी इरीगेशन इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उनके लिए भी इंडिया इन रिवर्स के वाटर को यानी वेस्टर्न रिवर्स के वाटर को, को यूज कर सकता है

दुनिया की जो सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है वो है प्रेजेंटली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है नेक्स्ट रिलेटेड टू गुजरात so, गुजरात सो में एक पंचमूली लेक है यहाँ पर जो क्रोकोडाइल्स हैं, उनको रिलोकेट किया गया है ये लेक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है वो आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर थे उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सो so, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स को रिलोकेट किया गया है यहाँ से इसलिए ये लेक न्यूज में थी so, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचमुली लेक, जिसको डाइक थ्री ऑफ सरदार सरोवर डैम के नाम से भी जानते हैं वो किस स्टेट में है सो रिसेंटली आयुष मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू ने एक पोर्टल लॉन्च किया है सी यानी क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया सो so, इस पोर्टल पर

बेम्बो उगाने का एक प्रोजेक्ट है और ये राजस्थान के उदयपुर में लॉन्च किया गया है ट्राइबल विलेज में सो so, इस प्रोजेक्ट के तहत बेम्बो उगाए गए हैं और इसी प्रोजेक्ट के चलते के ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक सिंगल डे में एक सिंगल लोकेशन पर हाईएस्ट बेम्बो सेप्लिंग उगाने का KVIC के की बात करें तो ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो की मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई के अंडर में एमएसएमई क्या है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना के एक स्ट्रेटरी अथॉरिटी है और ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बनाई गई है इसका मुंबई में है नेक्स्ट रिलेटेड टू निपुण भारत प्लेटफॉर्म सो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाउंडेशनल लर्निंग को इम्प्रूव करना निपुण के फुलफॉर्म देखे तो यह है नेशनल इनिशियटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नोम्रेसी सो so, ये निपुण भारत इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का एक इनिशिएटिव है और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है पहले ये मिनिस्ट्री थी एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेकिन जिस टाइम पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी ट्वेंटी में उस टाइम पर इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया